MM5 News, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम, MM5 News के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। लेवल प्लेइंग फील्ड केस, पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम। चीफ जस्टिस काजी फैजिसा ने सवाल किया कि शोएब शहीन कहाँ हैं। शोएब शहीन, आप रोस्टम पर आ जाएं। ये आपकी दरख्वास्त थी। शोएब शहीन साहब, आपने दरख्वास्त दायर की, आप दलाइल दी। चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी। सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश ना किया करें, आप हमसे चाहते क्या हैं। चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा से इस्तफ़सार। पीटीआई को बल्ला वापस देने पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर फैसला महफूज। वाज रहे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने के खिलाफ पिशावर हाईकोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर रखी है। दरख्वास्त में दायर किया गया कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की जाए। आम इंतखाबात मेयर नियाजी के खमसदात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला सुना दिया। रिटर्निंग ऑफिसर मियां वाली का फैसला कलदम करार दे दिया गया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि समझ नहीं आता, रिटर्निंग अफसरान आरोज ने छोटी छोटी बातों पर कागजात मुस्तरद क्यों किए। मुश्तरक कागजात नामजदगी पर तमाम दरख्वास्तें यकजा, जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को तमाम दरख्वास्तों पर जुमे को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपने हुक्म में कहा कि आरओसी रिकॉर्ड लेकर तमाम दरख्वास्तों पर शिकवार कमेंट्स जमा करवा दें। नवाज की कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ दायर अपील पर एतराज खत्म, जवाब तलब। नवाज शरीफ के एन ए 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ दायर अपील पर समाअत हुई। एपलेट ट्रिब्यूनल जज रसाल हसन सैयद ने अपील पर समाअत की। एपलेट ट्रिब्यूनल ने अपील पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जज ने रिटर्निंग ऑफिसर को जाती हैसियत में तलब किया है। व्हाइट कॉलर क्राइम कोई आम जर्म नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फैजिसा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क किए कि व्हाइट कॉलर क्राइम कोई आम जर्म नहीं है। व्हाइट कॉलर क्राइम से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचता है। जाली इनवाइसिस पर इतना बड़ा क्लेम किया क्या। जस्टिस काजी फैजिसा ने इस्तफसार किया कि ज़बरदस्ती किसी के अकाउंट में कैसे पैसे घुसा सकता है, ये आम जर्म नहीं। मुलजिम को जमानत किस बुनियाद पर दे। मौसम की शिद्दत, फनी खराबियां, नाकाफी फ्यूल, बिजली की पैदावार में शदीद कमी, कमज़ोर सिस्टम के बायस बिजली की तरसील में भी मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। सिस्टम को ब्रेक डाउन से बचाने के लिए तकसीम कर कंपनियों को बिजली का कम कोटा दिया जा रहा है। ज़िला रहीम बिहार खान के 2024 के आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 13 नशस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 418 उम्मीदवारों ने रिटर्निंग अफसरों के पास कागजात नामजदगी जमा कराए थे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद कौमी असम्बली के 6 हलकों के लिए 108 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। महकमे पुलिस से रिटायर्ड होने वाले ऑफिस सुपरिटेंडेंट मलिक मोहम्मद अफजल के एजाज में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया। रिटायरमेंट की तकरीब DPO ऑफिस में मुनाकिद की। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। MM5 News, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।